कक्षा प्रथम के प्यारे प्यारे बच्चों का YouTube अंबाला अकेडमी चैनल में हार्दिक स्वागत है। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ कालू चार्ट वाला। अब आप बताइए ये किसका चित्र है? फूल। अब बताएंगे सूरज। अब आप बताइए दोनों शब्दों में कौन सी मात्रा की आवाज़ आ रही है? कौन सी मात्रा लिखी गई है? बड़े ओ की मात्रा। तो ये दोनों बड़े ओ की मात्रा के चित्र हैं, फूल सूरज। बड़े ओ की आवाज़ ऊ आती है और इसको अक्षर के नीचे लिखा जाता है स्टैंडिंग पोजीशन में। ये चित्र किसका है? जूता। जूता मीन्स शू। और ये चित्र किसका है? चूहा। चूहा मीन्स रैट। अब दोनों में भी बड़े ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब हम पढ़ेंगे बड़े ओ की मात्रा के शब्द पाठ कालू चार्ट वाला में बड़े ओ की मात्रा के कुछ वाक्य भी। बड़ा ओ अक्षर के नीचे स्टैंडिंग पोजीशन में लिखा जाता है और इसकी आवाज़ कैसी आती है? बड़े ओ की बड़ी आवाज़ ऊ। सब मेरे साथ बड़े ओ के कुछ शब्द पढ़ेंगे। चूहा, सूरज, जूता, फूल, ऊ बिलाव। अब सब में बड़े ओ की मात्रा लिखी गई है, ऊद बिलाव में बड़ा ऊ लिखा गया है। अब हम पढ़ेंगे दो अक्षर वाले शब्द धूप, दूध, मूली, भूख, पूजा। अब देखेंगे दूध का एक चित्र, आलू, भालू, बूढ़ा, झूला, चूड़ी। अब यह है चूड़ी का चित्र। जिस अक्षर में ऊ की आवाज़ आ रही है हम उसी अक्षर में मात्रा लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे तीन अक्षर वाले शब्द तराजू, चूरन, खुशबू, नाखून, अमरूद। अमरूद मीन्स गुआवा और इसमें र को ऊ की मात्रा बीच में लिखी गई है। बाकी सब अक्षरों में ऊ की मात्रा नीचे स्टैंडिंग पोजीशन में होती है और र में बीच में स्टैंडिंग पोजीशन में लिखी जाती है। आगे चित्र किसका है? तराजू। अब हम पढ़ेंगे चार अक्षर वाले शब्द फूलदान, खरबूजा, तरबूज, कबूतर, शहतूत। अब ये चित्र में क्या देख रहे हैं आप? कबूतर। और बाकी शब्द खरबूजा, तरबूज, शहतूत किसके नाम हैं? फलों के नाम। आपको ये फल खाने चाहिए। अब लास्ट लाइन में आपको ये शब्द किताब में लिखने होंगे, जूता, चूहा, खुशबू, फूल, रुमाल। अब हम पढ़ेंगे पाठ कालू चार्ट वाला। आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे। एक था भालू, नाम था कालू। भालू का क्या नाम था? कालू। कालू की थी एक दुकान, दुकान का नाम था कालू चाट वाला। जब वाक्य ख़त्म होता है तो हम एक पूर्ण विराम लिखते हैं, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लिखा जाता है। अब कालू की एक दुकान थी चित्र में देखिए, और उस दुकान में कालू चाट बनाता था। कुर्ता और जूता पहनकर कालू दुकान पर जाता, वह फल काटकर चाट बनाता। किसकी चाट बनाता था? फलों को काटकर। एक दिन मयूरी गिलहरी झूला झूल रही थी,
तभी सरचू चूहा और नुपुर चुहिया दुकान पर गए। मयूरी भी साथ साथ चल पड़ी। अब सभी कालू चाट वाले की दुकान पर जा रहे हैं। सरजू चूहा नूपुर चूहा जा रहे थे तो मयूरी गिलहरी झूला झूलते हुए छोड़कर उनके साथ चल पड़ी। अब इन सभी शब्दों में आपको बड़े उक्के शब्द नज़र आ रहे हैं, लेकिन दो शब्द ऐसे हैं जिसमें छोटे उक्की मात्रा है। आप बताएंगे कौन से दो शब्द हैं? कुर्ता दुकान, और नीचे वाले लाइन में भी दो शब्द हैं, नुपुर चुईया। इनमें छोटे ओ की मात्रा है और बाकी सभी शब्दों में जूता, कालू, सरजू, झूला, मयूरी, झूल, सब में बड़े ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। कालू भाई, आलू कचालू और अमरूद की चाट बनाओ, जरा बढ़िया चाट बनाना, तरबूज और खरबूजा भी डालना, ज़रूर ज़रूर। अब सबने कालू चाट वाले को चाट बनाने के लिए कहा और उसमें आलू अमरूद कचालू तरबूज खरबूजा डालने के लिए कहा, तो कालू चाट वाले ने उनके लिए चाट बनाई। वाह कालू भाई, चाट बड़ी चटपटी थी, खाकर मज़ा आ गया। सबको उसकी चाट बहुत टेस्टी लगी और सबने उसकी तारीफ की कि आपने बहुत अच्छी चाट बनाई। तो हमें जो कोई अच्छा काम करता है तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। आपने इस पार्ट को बार बार पढ़ना है। अब बताइए ये किसका चित्र है? आलू, ये कचालू, अमरूद, तरबूज, खरबूजा, ये चित्र किसके हैं? फलों के और सब्जी के। और इनसे कालू चाट वाले ने चाट बनाई, आलू कचालू अमरूद तरबूज खरबूजा, और सबने मिलकर चाट खाई। सबको चाट बहुत टेस्टी लगी। आप भी फल खाते हैं ना, सबको फल फ्रूट खाने चाहिए। छोटे वो और बड़े वो की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। छोटे ऊ को अक्षर के नीचे स्लीपिंग पोजीशन में लिखा जाता है और बड़े ऊ को अक्षर के नीचे स्टैंडिंग पोजीशन में लिखा जाता है। छोटे ऊ के शब्द सुना, चुरा, चुना, बुरा। बड़े ऊ के शब्द सुना, चूरा, चूना, बुरा। शब्द सेम है लेकिन मात्रा अलग है। इन शब्दों में छोटे ओ की मात्रा है और नेक्स्ट शब्दों में बड़े ओ की मात्रा है, तो मात्रा चेंज होते ही उनका अर्थ भी बदल जाता है। सुना, कुछ सुनाई देते हैं तो हम बोलते हैं हमने सुना। सुना, सुना मीन्स लोनली। चुरा, कुछ चुराना। चूरा मीन्स पीसेस। नेक्स्ट चुना, कुछ चुनते हैं हम। चूना, जो हम यूज़ करते हैं सीमेंट घर बनाने में। बुरा, जैसे हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए। बुरा, चीनी का बुरा होता है। अब हम र में छोटे ओ और बड़े ओ की मात्रा लिखना और पढ़ना सीखेंगे। र में छोटे ओ की मात्रा बीच में स्लीपिंग पोजीशन में ही लिखी जाती है और बड़े ओ की मात्रा र में बीच में स्टैंडिंग पोजीशन में ही लिखी जाती है, लेकिन पैर में नहीं लिखी जाती, नीचे नहीं लिखी जाती, बीच में लिखी जाती है। इस बात का आपको
ध्यान रखना है। अब र में छोटे उ की मात्रा के और बड़े उ की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। छोटे उ से रुई, रुक, रुपया, गुरु, सब में छोटे उ की आवाज़ आ रही है उ, और बड़े उ की आवाज़ आ रही है रूमाल, रूपा, रूखा, रूठना। तो छोटे उ को हम स्लीपिंग पोजीशन में लिखेंगे और बड़े उ को स्टैंडिंग पोजीशन में र के बीच में लिखेंगे। अब उ की मात्रा वाले शब्द पहचान कर रेखा खींचो। खजूर, गुलाब, पूजा, पुकार, बूढ़ा, खुश, रुपया, रूठ। अब इनमें से पहचानेंगे। खजूर बड़ा ऊ है इसमें कि छोटा ऊ? यस, बड़ा ऊ। गुलाब, गुलाब में किसकी आवाज़ आ रही है? छोटे ऊ की। पूजा, पूजा में बड़े ऊ की आवाज़ आ रही है। पुकार, पुकार में भी छोटे ऊ की आवाज़ आ रही है। बूढ़ा, बूढ़ा में भी बड़े ऊ की, तो हम उसके उसको अंडरलाइन करेंगे। खुश, खुश में कौन सी मात्रा है? छोटा ऊ, ख को छोटा ऊ, श खुश, तो उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। रुपया, रुपया को भी नहीं करेंगे छोटा ऊ। रूट, रूट में बड़ा ऊ है, उसको अंडरलाइन करेंगे। अब आप चित्र का नाम बताएंगे। कौन सा चित्र है? तराजू। ये कौन सा है? सुराही। अब तराजू में कौन सी मात्रा है? यस, बड़े ऊ की, और सुराही में? वेरी नाइस, छोटे ऊ की। अब ये चित्र देखेंगे। यस, साबुन, और ये जो आप खाते हैं सैलड में, मूली। अब साबुन में कौन सी मात्रा है? छोटा ऊ, और मूली में? वेरी नाइस, बड़े ऊ की मात्रा। तो अब आपको छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा की पहचान हो गई है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया। अब आप इसको बार बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे।